Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I'm sure children you all are safe and happy in your homes. Do take very good care of yourselves, follow all the safety precautions, listen to your elders, listen to your parents, stay home, don't वेंचर आउट अननेसेसरीली. कोई अगर बाहर जाने का कोई रीजन नहीं है तो बाहर ना निकलो, घर पे ही रहो. दैट इज वाई स्कूल्स आर क्लोज, यू आर हैविंग ऑनलाइन क्लासेस सो दैट यू डोंट हैव टू कम आउट. ओके, इट इज बेटर टू स्टे होम. जितना अगर जरूरी नहीं है तो घर पे रहो, वही बेटर है. ओके, सो डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, stay healthy and most importantly stay safe children. Okay, we are continuing with lesson number 2, that is parts of my body. So here I am with another video from the same chapter. We have completed the chapter children. In this chapter we talked about the different body parts, external body parts. जो बॉडी पार्ट्स हमें दिखाई पड़ते हैं बाहर से उनके बारे में बात की. देन आई टोल्ड यू अबाउट सम इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑल्सो, जो हमारे मेन मेन इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है. ठीक है, उनके बारे में हमने बात किया, उनके बारे में मैंने आपको बताया. देन वी डिस्कस एंड टॉक्ड अबाउट द एक्टिविटीज वी परफॉर्म विथ आवर हैंड्स एंड लेग्स. हम अपने हाथ से, अपने पैर से क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, हमने उसके बारे में बात किया. फिर देन वी टॉक्ड अबाउट द 5 सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे जितने एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स हैं उसमें से 5 पार्ट्स जो हैं, दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. व्हाई? बिकॉज दे हेल्प अस टू सेंस द थिंग्स, चीजों को सेंस करने में, फील करने में हमारी हेल्प करते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट द 5 सेंस ऑर्गन्स एंड वॉट फंक्शन दे परफॉर्म. वो सेंस ऑर्गन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ अवर बॉडी पार्ट्स, हम अपने बॉडी पार्ट्स की केयर कैसे कर सकते हैं. ओके, एंड वी हैव, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. Why? Because skin जो है वो तो पूरी body में हर जगह पे है, it is there everywhere, so skin is the largest sense organ. Okay? Skin जो है वो हमारा सबसे बड़ा sense organ है. Okay? Now we have started with the exercises. So as I told you, जैसा मैंने आपको बताया है कि जो latest book है and उससे जो पहले वाली book है, एक्सरसाइजेस आर स्लाइटली डिफरेंट, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. तो मैंने इसके प्रीवियस क्लास में जो पहले वाली बुक थी उसका मैंने हॉट्स क्वेश्चन आंसर कराए थे. टुडे आई विल बी डूइंग हॉट्स क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेटेस्ट बुक, जो आपकी ये वाली बुक है इसका आज मैं हॉट्स क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी. ओके, इस वाली बुक का हॉट्स के जो क्वेश्चन आंसर है, हॉट्स का मैंने मतलब बताया था HOTS. HOTS means higher order thinking skill. Okay, higher order thinking skill, that means आपने लेसन में पढ़ा है, you have read the things in the lesson, maybe it is not there in the lesson. हो सकता है लेसन में डायरेक्टली लिखा ना हो, but still while teaching the lesson, मतलब मैंने आपको उसके बारे में जरूर बताया होगा, teacher must have told you. तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, जो भी है, हॉट्स का मतलब यही होता है. ओके, सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग टुडे विथ हॉट्स क्वेश्चन आंसर. ओके चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइजेस नाउ. HOTS, हॉट्स, HOTS, HOTS, that is HIGHER, higher, ORDER, order
thinking, thinking skills, skills, higher order thinking skills, thoughts. This is your latest book, this book, and the page number is 12, 1, 2. Okay, lesson number 1, page number 1, 2 of your EVS book. Think Green Environmental Studies, page number is 12. Okay, now higher order thinking skills. This is the name, the parts of the body with which you. Now the clue is given. Clue का मतलब है एक hint. Hint दी हुई है, okay? And you have to complete the word. You have to complete the word. That means you have to write the name of that body part. Okay? उस आपको body part का नाम लिखना है. So this is chapter number 2, parts of my body. Name the parts of the body with which you. Okay? Hint is given. And how many letters are there in the word? That is also given. Blank space दिया है. मतलब you can count how many letters are there. Okay? So first is B-R-E-A-T-H-E. Breathe air. First, I will write all the four. Okay? B-R-E-A-T-H-E. Breathe air. Second is D-I-G-E-S-T. Digest food. Third is T-H-I-N-K. Think and answer. Fourth is mix food in the mouth. Okay, now let us see what are the words. First word, first answer begins with N. That means there are four letters. Let us see this one. Now let us solve. ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं. So first is breathe air. From which part of your body breathe air? सांस कहाँ से लेते हो? We all know that we breathe air through nose. Nose है हमारी and we have two nostrils. जो ये दोनों छेद होते हैं, they are known as nostrils. So when you breathe air, एक nostril से हम air breathe in करते हैं and एक nostril से हम air एक्सहेल करते हैं. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल मतलब अंदर लेना एंड एक्सहेल मींस बाहर निकालना. सो वी टेक द एयर इनसाइड थ्रू वन नॉस्ट्रल और दूसरे नॉस्ट्रल से हम एयर को बाहर निकालते हैं. तो विथ विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू वी ब्रीद? हम बॉडी के अपने किस पार्ट से ब्रीद करते हैं? वी ब्रीद थ्रू आर नोज. नाक से हम जब सांस लेते हैं तो एयर कहाँ जाती है? हमारे लंग्स में जाती है. जैसे मैंने बताया था कि हमारे नेक में विंड पाइप इज देयर एंड फूड पाइप इज देयर. सो विंड पाइप से जो हम सांस लेते हैं वो विंड पाइप से एयर कहाँ जाती है? इट गोज टू आवर लंग्स. ठीक है, हमारे फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है. तो करेक्ट आंसर इज एन ओ एस ई, नोज. ओके, नेक्स्ट इज डाइजेस्ट फूड. डाइजेस्ट का मतलब होता है पचाना. जो खाना आप खाते हो, the food which you eat, ठीक है,
वो जब हमारे स्टमक में जाता है, मैंने बोला था आपको बताया था बाई टीचिंग दिस लेसन दैट स्टमक इज एन इंटरनल पार्ट, जो बाहर हम बोलते हैं पूरा हमारे स्टमक है पेट है, दैट यू कैन से इज द आउटर कवरिंग, उसको आप बोल सकते हो कि वो आउटर कवरिंग है। ठीक है, स्टमक जो है, स्टमक इज एन इंटरनल पार्ट, छोटा सा ऑर्गन होता है, इंटरनल ऑर्गन है। ठीक है, सो व्हेन वी ईट फूड, जब हम खाना खाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वन फूड पाइप इज देयर एंड वन विंड पाइप है, विंड पाइप से एयर अंदर जाती है और फूड पाइप जो है उससे हमारा जो फूड हम खाते हैं, व्हाटएवर वी ईट, इट गोज इनटू आवर स्टमक। खाते टाइम कई बार आप बहुत बात करते हो तो उतना ना बहुत सडनली बहुत खांसी आने लग जाती, खाना सरक जाता है, दैट इज बिकॉज जो फूड है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाता है एंड हमारी सांस जैसे रुकने लगती है तो हम खांसते हैं। ओके, सो व्हेन वी ईट, जब हम खाते हैं तो फूड जो है इट गोज इनटू आवर स्टमक, वो हमारे स्टमक में जाता है फूड। ठीक है, स्टमक में फिर बहुत सारा प्रोसेस होता है, जो खाना हम खाते हैं द फूड विच वी ईट, उससे जो जूस सिक्रीट होता है, मतलब उसका जो अपना जूस होता है, देन वी ड्रिंक वाटर, वो सबसे मिल करके हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, खाना पचता है। कभी कभी आप कहते हो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग होती है, क्या होता है कई बार जब वॉमिटिंग में खाने की जो भी आपने खाया है वो सारी चीजें आ जाती है बाहर, दैट मीन्स योर फूड वॉज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन से खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। तो जब फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, खाना ठीक से नहीं पच पाता है, देन वी हैव स्टमक एक, वॉमिटिंग होती है, मतलब तब हमें प्रॉब्लम होती है। सो विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग ऑफ फूड, दैट इज स्टमक, एस टी ओ एम ए सी एच, स्टमक। ओके, स्टमक जो पेट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द आउटर कवरिंग, स्टमक इज एन इंटरनल ऑर्गन, इट इज इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर होता है एंड इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग द फूड। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से सबका अपना अपना फंक्शन होता है, तो जितना ही फूड की हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट फूड इज डाइजेस्टेड, और जो अनडाइजेस्टेड और अनवांटेड फूड होता है दैट इज ऑल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, वो सारे हमारी बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, थर्ड इज थिंक एंड आंसर, विथ विच पार्ट ऑफ द बॉडी यू थिंक एंड आंसर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी तो नाउ यू विल थिंक, सोचोगे कहां से हम सोचते हैं, वी थिंक विथ आवर ब्रेन। ठीक है, जो हमारा स्कल है यहाँ पे हमारा ब्रेन है एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड विथ जो स्कल बोन, जो अंदर जो सिर की जो हड्डी होती है ब्रेन उसके अंदर होता है, ऑल आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स, जैसे हमारी बोन्स से या मसल से प्रोटेक्टेड रहते हैं सो दैट कभी चोट लगती है तो दोज पार्ट्स आर नॉट हिट डायरेक्टली, डायरेक्टली उनपे चोट नहीं लगे, तो ब्रेन जो है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय स्कल बोन। सो इफ व्हेन वी हैव टू आंसर समथिंग, हमें कुछ सोचना होता है, आंसर करना है, कहां से हम सोचते हैं, वी थिंक फ्रॉम आवर ब्रेन, जो भी हम काम करते हैं वॉट एवर वर्क वी डू वी गेट ऑल द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, क्या करना है क्या नहीं करना है, वॉट इज गुड वॉट इज बैड, ठीक है, किस वॉट इज हार्मफुल फॉर अस, क्या काम करने से हमें चोट लग सकती है, सो ऑल दीज वर्क्स आर डन बाय ब्रेन, सारे जो सोचने का काम है ये सारा हम करते हैं अपने ब्रेन से, बी आर ए आई एन, ब्रेन। ओके, देन नेक्स्ट इज मिक्स फूड इन द माउथ, जब आप खाना खाते हो, दिस इज आवर माउथ, ये तो हमारा पूरा फेस है, फेस पे वी हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स एंड दिस इज माउथ, माउथ के अंदर क्या है, वी हैव टीथ, वी हैव टंग एंड वी हैव लिप्स, व्हेन यू ईट फूड, जब मुंह में खाना डालते हैं तो वी बाइट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ, दांत से हम खाने को काटते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं, ठीक से, वी शुड ऑलवेज च्यू आवर फूड प्रॉपरली, कुछ भी खाते हो, खाना खाते हो तो यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपरली, उसको खाने को च्यू करने का मतलब ये नहीं कि हम नाम 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 करके च्यू करना, नो, यू शुड ईट प्रॉपरली, मतलब अच्छे से च्यू करके खाना खाना चाहिए, गॉबल डाउन नहीं कर जाना चाहिए,
जल्दी जल्दी से खाना खा लो, खाना बस मुंह में डाला, पानी के साथ साथ उसको निगल लिया एंड गो आउट एंड प्ले. नो, खाने के टाइम पे खाने को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए. सो वी बाइट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ. दांत से हम खाने को काटते हैं, बाइट लेते हैं, उसको च्यू करते हैं एंड टंग जो है हमारी दैट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड इन द माउथ. आपने जो भी खाया, जैसे सब्जी एंड रोटी साथ में खाई, चावल दाल सब्जी एक साथ खाते हो, उसके साथ कुछ दही खाया, मैं भी कुछ सैलेड खाया, तो ये सारी जो चीजें आपने खाई उसको हमारे माउथ में आप मिक्स कैसे करते हैं? थ्रू टंग. ठीक है, टंग के बिना तो खाना हम नहीं खा सकते. तो जब हम खाना खाते हैं तो वी बाइट एंड च्यू फूड विथ आवर टीथ एंड खाने को जो भी खाया उसको मुंह में मिक्स कैसे करते हैं? थ्रू टंग. ओके, सो द आंसर इज TONGUE, टंग, दैट इज जीभ. ओके, सो चिल्ड्रन यू कैन कंप्लीट द आंसर. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट. मैं साइड में आ जा रही हूं. दिस इज चिल्ड्रन द लेटेस्ट बुक, जो बाघ वाली बुक है उसकी ये एक्सरसाइज है. उसकी जो पहले की बुक है उसमें जो हॉट्स क्वेश्चन आंसर्स हैं, दे आर स्लाइटली डिफरेंट. अच्छा है ना, यू आर गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, सो दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. ये जो हमारी लेटेस्ट बुक है उसके हैं. सो इफ यू कैन कंप्लीट द वर्क इन द क्लास इटसेल्फ एंड फॉर सम रीजन इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द वर्क इन द क्लास, देन यू कैन ऑलवेज वॉच दीज वीडियोज एंड कंप्लीट योर वर्क. दिस वर्क इज, दिस वीडियो इज योर क्लास वर्क ओनली. This is your class only, okay? So I hope children, everyone has written this. अभी इसको मैं रब कर रही हूँ. Now we will be doing the next question, okay? इसको मैं अभी रब कर रही हूँ. Okay, now next is name the, this is horse question answer only, name the parts, name the parts of your body, name the parts of your body that are in pairs. Name the parts of your body that are in pairs. Pairs का मतलब होता है in two, which are always in two. Pairs का मतलब है कि जो हमेशा two में होते हैं. ठीक है, so which part of our body are in pairs? जैसे example book में दिया हुआ है, like eyes. Our eyes are in pairs, so you have to tell which of our body parts are in pairs. Example, eye is already given, like eyes, so we will not write eyes, we can write ears. Our ears are in pairs. ठीक है, lips, lips भी तो हमारे pairs में, upper lip and lower lip, we have two lips, so we can write lips. Then our arms, we have two arms, है ना, एक single arm तो नहीं है, we have two arms, so our arms are in pair. Our hands are in pair, arms, hands, our legs are in pairs, our feet are in pair, legs है, feet है, ये हमारे pair में है. Then we have elbows also in pair, two hands है, two arms है, so we have two elbows, our elbows are in pair, our knees are in pair. ELBOYS, elbows, KNEES. ठीक है, सिंस वी हैव टू आर्म्स सो आवर एल्बोज आर इन पेयर, वी हैव टू लेग्स सो आवर नीज आर ऑल्सो इन पेयर, वी हैव टू ईयर्स, वी हैव टू लेग्स, टू आर्म्स, टू हैंड्स, टू लेग्स, टू फीट्स. ओके, सो वेन एवर समथिंग इज इन टू, दैट इज पेयर. देयरफॉर दैट इज वाई वी से पेयर ऑफ स्पेक्स, बिकॉज टू आईज हैं, दो शीशे हैं. पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स में टू ब्लेड्स होते हैं. वी से पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ
शूज, ठीक है, एक सिंगल सॉक से नहीं बनेगा, देर हैज टू बी टू सॉक्स, देर हैज टू बी टू शूज, सो वी से पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, बिकॉज ट्राउजर्स में भी सिर्फ वन लेग तो होगा नहीं, टू लेग्स आर देयर, सो वी से पेयर ऑफ ट्राउजर्स. ओके, नाउ चिल्ड्रन वी हैव डन द हॉट्स क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस बुक. नाउ वन हॉट्स क्वेश्चन आंसर इज लेफ्ट, जो हमारी जो प्रीवियस वाली बुक है दिस बुक, ठीक है, इसका भी एक हॉट्स क्वेश्चन आंसर है, वो भी मैं अभी बता दे रही हूं. द क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज क्लोज्ड व्हेन यू स्लीप, ठीक है, द क्वेश्चन इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर एफ, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी is closed when you sleep, मतलब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट बंद रहता है जब आप सोते हो. Now which part of your body can you open and close, अपनी मर्जी से आप कौन से पार्ट को खोल सकते हो, बंद कर सकते हो. लिप्स को हम हमारी मर्जी हम बंद करके रखेंगे, हमारी मर्जी हम उसको चलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे, और तो कोई और पार्ट नहीं एक्सेप्ट फॉर आईज. वी कैन क्लोज आवर आईज व्हेन वी वांट लाइक दिस, वी कैन ओपन आवर आईज. सो विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज क्लोज व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते हो तो कौन सा पार्ट बंद रहता है, इट इज अवर आईज. अवर आईज आर ऑलवेज क्लोज व्हेन वी स्लीप, ठीक है. माउथ होता है, बहुत लोग मुंह खोल के भी सोते हैं, किसी को अगर कई बार नाक से ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम होती है, जुकाम वगैरह होता है, जब नोज थोड़ी ब्लॉक हो जाती है, सो वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, तो हम मुंह से तब सांस लेते हैं, एंड व्हेन वी ब्रीथ थ्रू अवर माउथ इज ओपन. माउथ तो ओपन भी रह सकता है सोते टाइम, बट अवर आईज आर ऑलवेज क्लोज व्हेन वी स्लीप. इसका आंसर क्या होगा, अवर आईज. आईज आर द ओनली ऑर्गन विच are closed when we sleep. Okay, so children, I am giving you 2 minutes, write the answers. Okay, I hope you have written. Now children, we will be doing activity part. Okay, activity part mein just explain kar rahi hu, there is nothing to write, this you can do on your own also. ये आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक है. आई होप मैं फिर से साइड में आ जा रही हूँ. आई होप ऑल ऑफ यू हैव रिटन द आंसर्स. नाउ ग्रुप एक्टिविटी, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बट सिंस वी आर नॉट कमिंग टू स्कूल, यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम ऑल्सो. यू कैन डू इट अलॉन्ग विथ योर सिस्टर्स, ब्रदर, अपने जो सिबलिंग्स के साथ भी आप ये कर सकते हो. द एम इज टू नो हाउ स्किन helps to feel. Like we have read that there are 5 sense organs. Eyes, it helps us to see. Nose, it helps us to smell. Ears, they help us to hear sounds. Tongue, it helps us to taste. And skin, it helps us to feel. Okay? Now the aim of this activity is to know how skin feels to help. How skin helps to feel. मतलब skin जो है वो किसी चीज को feel करने में कैसे हमारी help करती है. ओके, नाउ व्हाट ऑल डू यू रिक्वायरमेंट रिक्वायर. एम का मतलब है कि कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दैट एक्टिविटी, ठीक है, व्हाट इज द एम ऑफ दैट एक्टिविटी. ओके, रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट ऑल डू यू नीड. रिक्वायर मीन्स रिक्वायरमेंट मीन्स क्या क्या चीजें आपको चाहिए. What all do you need? A thick cloth bag, एक जैसे कपड़े का एक बैग जैसा होता है ना, झोला भी यू कैन से, उसमें एक शार्पनर, पेंसिल, स्केल, हेयर बैंड, इरेजर, चौक, एनी वेजिटेबल और फ्रूट, दैट मीन्स द थिंग्स विच आर अवेलेबल एट होम. पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन योर पेंसिल बॉक्स, ठीक है. इसके अलावा जो है
ऐसी कोई चीज नहीं डालना जिससे आपको चोट लग जाए, लाइक ब्लेड, नाइफ, ऐसी कोई चीज नहीं डालना, और एनीथिंग पॉइंटेड जिससे कि आपको चोट लग सकती है. ओके, वाई अभी वो भी बता रही हूँ. उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे चौक है, पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, योर क्रेयॉन. ओके, एनी काइंड ऑफ फ्रूट, एनी वेजिटेबल, इस तरह की चीजें जो कि आप जब टच करो तो आपको इससे कोई हार्म ना हो. ओके, आप कोई स्टोन डाल सकते हो, नॉट वेरी वो बहुत शार्प एज वाला नहीं, ऐसे कोई स्टोन डाल सकते हो, कुछ सॉफ्ट सा क्लॉथ डाल सकते हो. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज पुट ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द बैग. जो आपने क्लॉथ का जो बैग लिया उसमें ये सारी चीजें आप डाल दो. ओके, ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड एंड आस्क हिम और हर टू पुट हिज और हर हैंड इन द बैग टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय टचिंग देम, बाय ओनली फीलिंग देम, देन रिपीट द सेम विद अदर चिल्ड्रन. ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आंखों को बांध देना, जिससे वो खेलते हैं ना गेम, आंखों को पूरा बांध करके वो ऐसे ऐसे करके बच्चों को खोजना होता है. फिर आपने किसी भी एक बच्चे को पकड़ लिया तो यू हैव टू टेल द करेक्ट नेम ऑफ द चाइल्ड. अगर आपने करेक्ट नेम बताया तो देन दैट चाइल्ड बिकम्स डेड, अगर नहीं बता पाया देन यू रिमेन द डेड. तो ब्लाइंड फोल्ड का मतलब होता है आंख पे पट्टी बांध देना, कुछ बांध देना, सो दैट यू आर नॉट एबल टू सी. सो ब्लाइंड फोल्ड, दिस इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बट राइट नाउ यू आर अलोन एट होम इन द सेंस कि अदर क्लासमेट्स आर नॉट देयर. तो आप अपने सिबलिंग्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ ये कर सकते हो. तो आंख पे पट्टी बांधा एंड देन यू हैव टू फील द थिंग्स इन द बैग एंड टेल देयर नेम. ठीक है, यू हैव टू फील द थिंग्स एंड आइडेंटिफाई देम. तो आप जब बैग में हाथ डालोगे तो आप जो भी टच करोगे यू कैन फील कि व्हाट इट इज. ठीक है, एंड बाय फीलिंग देम, बाय टचिंग देम, यू कैन आइडेंटिफाई देम. आप बता सकते हो कि यस दिस इज अ चॉक, दिस इज अ स्टोन. स्टोन कैसे समझ में आया? इसका सरफेस स्मूथ नहीं है बहुत, तो दिस इज स्टोन. कोई सॉफ्ट सा क्लॉथ है, द सरफेस इज वेरी स्मूथ, तो आपने बताया दिस इज अ क्लॉथ. शार्पनर है, शार्पनर का शेप फील करके, उसमें जो थोड़ा सा ब्लेड रहता है उसको, सब चीजों को फील करके यू कैन से दैट इट इज अ शार्पनर. सो दिस इज द एम ऑफ द एक्टिविटी, टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय ओनली टचिंग देम. ओके, टू नो हाउ स्किन हेल्प टू फील, मतलब कैसे स्किन से हम फील करते हैं. स्किन इज अ सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू फील, कैसे हम फील करते हैं, दिस इज द एम ऑफ दिस एक्टिविटी. नो नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स. लाइफ स्किल का मतलब है कि ऐसे स्किल्स जो हमें हमारी रोज की लाइफ में हेल्प करते हैं. ठीक है, हमारी रोज के जीवन में, हमारी रोज की लाइफ में जो स्किल्स हमारे काम आते हैं. जो स्किल्स का मतलब है जो बातें हैं जो हमारे काम आती हैं. ठीक है, लाइफ स्किल्स आर नॉट रिटन एनी वेयर इन द बुक एज सच कि यस ये लाइफ स्किल है, यू आर सपोज टू डू दिस 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 और यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ऐसा बहुत आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा. लाइफ स्किल्स यू लर्न बाय सीइंग थिंग्स अराउंड यू विथ योर एक्सपीरियंसेस, बाय सीइंग अदर्स डूइंग इट. दूसरों को देख देख करके हम सीखते हैं, अपने से हम खुद कर करके सीखते हैं, अपने चारों तरफ देख के सीखते हैं. ठीक है, तो इसमें लाइफ स्किल में क्या है कि सम पीपल कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली, दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल. कुछ लोग होते हैं जो कि सुन नहीं पाते, जो कि देख नहीं पाते. सी मतलब देखना, हियर माने सुनना, तो वो प्रॉपरली देख नहीं पाते, वो प्रॉपरली सुन नहीं पाते. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु कैन नॉट इवन स्पीक. ठीक है, सो दे आर नोन एज स्पेशल पीपल. नाउ हाउ विल यू हेल्प देम, आप उनको कैसे हेल्प करोगे. ठीक है, इट इज वी मस्ट हेल्प द पीपल हु आर इन नीड. जिनको हेल्प की जरूरत है हमको उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए. सो पीपल हु आर नॉट एबल टू सी और हु आर नॉट एबल टू हियर और हु आर नॉट एबल टू स्पीक, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग सेंस ऑफ फीलिंग. उनकी जो फीलिंग वाली जो स्ट्रेंथ होती है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रांग. आपने देखा होगा कि पीपल हु आर नॉट एबल टू सी देख नहीं सकते, बट दे वॉक ऑन द बिजी रोड ऑल अलोन. ट्रैफिक इतना आता जाता रहता है, वो अकेले चलते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं. दे ट्रैवल अलोन इवन इन बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में अकेले ट्रैवल कर लेते हैं, ट्रेन्स में अकेले ट्रैवल कर लेते हैं, एंड दे डू ऑल देयर वर्क ऑल अलोन.
ऐसा नहीं कि उनको हर समय अपने साथ किसी एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, दे डू ऑल देयर वर्क ऑल अलोन. सो हाउ विल यू हेल्प देम? अगर कभी आपको किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करनी पड़ती है तो आप उनकी कैसे हेल्प करोगे? ठीक है, वी शुड हेल्प देम. उस समय हम जो भी कर सकते हैं, सपोज अ पर्सन कैन नॉट सी दैट पर्सन वॉन्ट्स टू क्रॉस द रोड एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू क्रॉस, सो वॉट कैन यू डू? यू कैन हेल्प हिम इन क्रॉसिंग द रोड. आप उस पर्सन का हाथ पकड़ करके धीरे धीरे रोड क्रॉस करा सकते हो, ठीक है ना. और इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, तो कई बार होता है कि सुन नहीं सकते, बट दे कैन स्पीक. तो इफ दे आर सेइंग समथिंग, आप उसको सुन करके जिसको भी वो कुछ कहना चाह रहे हैं आप उनको बता सकते हो कि यस दैट पर्सन वॉन्ट्स टू से दिस थिंग. ओके, सो इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प समवन हु इज इन नीड ऑफ हेल्प. ठीक है, सिमिलरली पीपल हु आर नॉट एबल टू सी, दे हैव अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल. ठीक है, उनकी जो बुक्स होती हैं उसमें लेटर्स नहीं होते हैं, दे हैव डॉट्स. वो थोड़े उठे उठे डॉट्स होते हैं, दे टच द डॉट, दे फील इट एंड देन दे रीड द एंटायर बुक. इसीलिए जो करेंसी नोट्स हमारे होते हैं उस पे हर एक डिनोमिनेशन के नोट पे अलग अलग शेप रहता है, ट्राइंगल इज देयर, स्क्वायर इज देयर, सर्कल इज देयर. जो पीपल हु आर ब्लाइंड, हु कैन नॉट सी, दे टच द करेंसी नोट्स एंड दे कैन फील इट. ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी कम टू एन एंड. ये हमारा लेसन कम्प्लीट हो गया, वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 2, दैट इज पार्ट्स ऑफ माई बॉडी. Okay, so in the next class I will start with lesson number 3, that is my family. So that is all for the day, children. Thank you so much.